अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फाइज वसीम और आज की वीडियो में बात करेंगे मर्दान बोर्ड की। अगर आप मर्दान बोर्ड के स्टूडेंट हो और आप अपना मैट्रिक का या नाइन्थ का रिजल्ट चेक करना चाहते हो कि आपका 2018 में क्या रिजल्ट बना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आप लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे एक मिनट में अपना रिजल्ट को किस तरह चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो वीडियो आप देख रहे हो उसके वहां पर इस तरह सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप लोग मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ऐप में ओपन करके रखी हुई है साइट, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका पहले लिंक जो है वो अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि इस लिंक को आपने टाइप करना है अपने मोबाइल के ब्राउजर में या अपने लैपटॉप के ब्राउजर में या अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में, ठीक है। और जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टेटस चल रहा है के रिजल्ट ऑफ SSC एनुअल एग्जामिनेशन 2018 इज अवेलेबल नाउ, यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट ऑनलाइन रिजल्ट फ्रॉम स्टूडेंट कॉर्नर और क्लिक हियर, ऑल द इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट देयर रेगुलर DMC एंड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द बोर्ड ऑन 9th May। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया गया है। इसके अलावा वो लोग यहाँ पर एक और स्टेटस चला रहे हैं कि वो लोग अपना DMC सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं रिजल्ट की, तो चलिए SSC का रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ मर्दान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हो, किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जो कि इस वीडियो के लास्ट में शो हो जाएंगे, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए क्या करना है आपने, मैं सिंपल वे में बता देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है इस बार में अपना रोल नंबर, जो कि आप लोगों को मिलता है जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हो, तो 6 या 7 डिजिट्स का आपका रोल नंबर होता है जो कि आपने यहाँ पर एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम टाइप करना है, ठीक है, नाम आपका जो भी हो वो आप यहाँ पर टाइप करोगे। और यहाँ से आप लोग व्यू इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हो। यहाँ पर फिलहाल मेरे पास शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी नाम और रोल नंबर एंटर नहीं किया, और मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई नाम और रोल नंबर है ही नहीं जिसके थ्रू मैं आप लोग को दिखा सकूँ। लेकिन आप लोग इसको जो है वो, अगर आप लोग मर्दान बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के पास रोल नंबर भी होगा और आपका नाम भी होगा, वो आप यहाँ पर लिखोगे और सिंपल व्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों का रिजल्ट ऑनलाइन आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो मर्दान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।